फ्रेंड्स, ये रंगोली आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि एक एनिवर्सरी के लिए आप किस तरह से रंगोली निकालने वाले हो। फ्रेंड्स, रंगोली में हमने काफ़ी अलग अलग चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये रंगोली भी काफ़ी अच्छी ज़रूर लगेंगी। और इस रंगोली में कुछ नया पैटर्न हम दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। नया वैसे बहुत नया बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी आर्टिस्ट लोगों ने ये ट्राई किया है, बस आपको कुछ एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने की कोशिश हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने एक मार्किंग यहाँ पर करके लिया और रंगोली ऑलमोस्ट ये चार स्क्वेयर में होने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कर्टन आपको दिखाने वाले हैं। कर्टन कुछ अलग है और कुछ अलग स्टाइल से है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रंगोली हम बना रहे हैं ये एनिवर्सरी के लिए बना रहे हैं। कॉस्मोस बैंक 116वीं एनिवर्सरी है ये बैंक की। और फ्रेंड्स, यहाँ पर तिलगुल समारंभ भी है, तो वो भी हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करने वाले हैं कि किस तरह से आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसको शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, कलर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर पीकॉक ग्रीन और ब्लैक कलर मिक्स किया। अभी ये ग्रीन कलर से हल्का सा अंदर शेड करने वाले हैं। ये स्टेप बाय स्टेप इसको आपको यहाँ पर करना होता है। फ्रेंड्स, कर्टर के अभी जो कलर कॉम्बिनेशन है ये ऑलमोस्ट अभी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ कलर बाहर भी आया है, तो इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, आप ये इसको साफ़ करके ले सकते हो, लेकिन काफ़ी बार ऐसे भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बीच में कलर यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको। ये कलर अब अगर आपका बाहर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। कलर जितना कलर कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो, कलर अगर आपका मर्जिंग है तो कलर के हिसाब से ही आपको बाहर आना चाहिए। अगर वहाँ पर कलर मर्जिंग आपका जब भी आप रीस्टार्ट करते हो, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो दिखने में उतना अच्छा नहीं दिख सकता। इसीलिए बाहर कलर अभी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये साफ़ कर ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जो हम क्रिएट करते हैं वो आप देख पाएंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि वहाँ पर अभी पैच वर्क नज़र आ रहा है, कलर वो मर्जिंग नहीं है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे कुछ चीज़ें होते हैं जब आप रंगोली निकालते हो, उस वक्त आपको ये ध्यान देना ही चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह की रंगोली आप ऑनलाइन क्लासेस में भी सीख सकते हो। फ्रेंड्स, वैसे तो गर्टन आप कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए भी निकाल सकते हो। अगर किसी कोई बात की अगर ओपनिंग है, कोई लेट्स से अगर एनिवर्सरी है, शादी है, उस वक्त भी आप कर्टन निकाल सकते हो। एक नया चीज़ की शुरुआत आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि नीचे जो कलर है, हमने जहाँ पर लेटरिंग करना है उसके ज़्यादा हमने कलर ऊपर ऑलरेडी दे कर रखा है, और यहाँ पर हमें 116 लिखना है। तो लेटरिंग करने के लिए नीचे शायद से और भी टर्न हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर जो जगह देख रहे हो, ये यहाँ पर शायद से और टर्न हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हमें कलर देना है। और बस यही कलर शायद से यहाँ पर भी मर्ज कर सकते हैं, इसीलिए हमने पहले यहाँ का लेटरिंग करके लिया, ताकि ये देखिए ये लेटरिंग हमने पहले करके लिया ताकि हमें कन्वीनियंट लगे, और यहाँ पर कलर भी वो नीचे बस वही सीक्वेंस आ सकता है। फ्रेंड्स, कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपने छन्नी में आपने ले लिया है, आपको वो अगर वो वही कंटिन्यू अगर आप करते हो तो वो बहुत ही इजी हो सकता है। अगर आप बार बार वो छन्नी और वो कलर फिर वो रीयूज़ करते हो तो उसे वक्त भी बहुत लग सकता है। फ्रेंड्स, जब भी आप कलर मर्ज कर रहे हो चाहिए तो आप इतनी हाइट भी ले सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं है तो ये बहुत ही इजी हो रहा है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर हवा आ रही है तो आपका जो कलर है ये शायद से आगे पीछे हो सकता है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन कलर मर्ज नज़र आ रहा है। अगर कलर ये बहुत ज़्यादा अगर अलग है तो
आपके जो धब्बे धब्बे नज़र आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर का शेड, पैरेट ग्रीन कलर है, ये हल्का सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने ब्लू कलर के 3 शेड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इतना ये नज़र नहीं आ रहा है, ये कलर मर्ज है फ्रेंड्स। कलर मर्ज और बाकी चीज़ें भी आप ऑनलाइन क्लासेस में सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के बारे में बाकी डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है +91 अगर आप इंडिया के बाहर से हो 8983623472। फ्रेंड्स जैसे इंग्लिश में 78 ऐसे लिखते हैं, वैसे मराठी में भी 116 वा, तो ऊपर वा लिखना है, तो वा के लिए हमने जो म की जो लाइन है ये हमने काफ़ी नीचे तक कंसिडर किए, तो उसको ही आगे हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये देखिए आप बहुत ही अच्छा जरूर चला सकता है। फ्रेंड्स जब भी आप कलर मर्ज करते हो तो ये कलर शायद से बाहर भी आता है, तो वो आप साफ़ कर आराम से ले सकते हो। उस बारे में हमने ऑलरेडी इन एंड आउट के कुछ अलग अलग वीडियोस हमने क्रिएट किए, अब चाहिए तो ऊपर आई बटन को क्लिक कर भी आप देख सकते हो। बहुत ही इनडीप चीज़ है रंगोली के बारे में हमने वहाँ पर आपको बताया, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, जैसे कि आपको कलर ये किस तरह से लेना चाहिए, कपड़ा ही क्यों लेना चाहिए, बहुत ही चीज़ें होती है फ्रेंड्स वहाँ पर। फ्रेंड्स ये हमने काफ़ी बार आपको बताया कि मोबाइल में कॉम्बिनेशन और जो रियल कॉम्बिनेशन ये हल्का सा बहुत चेंज नज़र आता है, यहाँ पर आपको जो मर्जिंग है ये बहुत ही बेहतरीन आपको ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में हल्का सा यहाँ पर कलर मर्जिंग नहीं हुआ है, लेकिन ये मोबाइल अभी अच्छा लग रहा है, तो बस हम इसको ऐसे ही रखने वाले हैं। और फ्रेंड्स इसके ऊपर हम जो तिलकुल होते हैं वो अभी हम निकालने वाले हैं। फ्रेंड्स वीडियो बहुत बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, आगे बस हार्डली 1 मिनट का ही वीडियो हम आगे कंसीडर करने वाले हैं। फ्रेंड्स रंगोली अभी ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रंगोली में कौन सा पार्ट काफ़ी अच्छा ज़रूर लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।